जी हाँ दोस्तों, अगर आप नेपाल की लड़कियों के साथ शादी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेपाल में शादी के लिए लड़कियां कहां मिलती हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि नेपाल के लड़की के साथ शादी करने के फायदे क्या क्या हैं और भी बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों भारत का पड़ोसी देश नेपाल है, इसलिए नेपाल में भारत के लोगों को आना जाना रहता है। लेकिन नेपाल की लड़कियां शादी के लिए कहां मिलती हैं क्या आप जानते हैं? आइए सबसे पहले जानते हैं कि नेपाल में लड़कियां शादी के लिए कहां मिलती हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश होने के कारण बहुत से भारतीय नेपाल घूमना पसंद करते हैं, साथ ही नेपाली लड़कियों के साथ शादी भी करना चाहते हैं, क्योंकि नेपाल देश से भारत का अच्छा रिश्ता होने के नाते वहां पे आने जाने में रोक टोक भी नहीं होती। दोस्तों अगर आप मन बना ही लिए हैं कि मुझे नेपाली लड़की से शादी करना ही है तो करना है, तो आपके पास दो विकल्प। पहला, आपको नेपाली लड़की की वेबसाइट गूगल पर आपको मिल जाएगा, वहां से आपको सर्च कर लेना है, एवं दूसरा नेपाल जाकर आपको लड़की खुद ढूंढना है। और अगर आप नेपाल नहीं जाना चाहते हैं तो नेपाली लड़की शादी के लिए आपको भारत में भी मिल सकती है। भारत के दार्जिलिंग में एक छोटा नेपाल बसा हुआ है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दार्जिलिंग में नेपाली लोग अधिक रहते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से तो अच्छा ये रहेगा कि आप नेपाल घूमने जाएं, शायद आपकी तलाश घूमते हुए पूरी हो जाए और आपको शादी के लिए नेपाल की लड़की कहीं मिल जाए। अगर आपको किसी तरह से नेपाल की लड़की शादी के लिए मिल जाए, ऐसे में नेपाल की लड़की से शादी करने के फायदे बहुत सारे हैं। दोस्तों नेपाल की लड़कियां बहुत ही खुददार किस्म की होती हैं, इसलिए वह दूसरे पर निर्भर होना पसंद नहीं करती। अधिकतर नेपाल की लड़कियां खुद रोजगार करती हैं। अगर आपका नेपाल में ससुराल होगा तो नेपाल में घूमने में आपको आसानी होगी, आपके लिए बिजनेस के रास्ते नेपाल में बन जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।